हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं जॉर्जपुर और यहाँ पे हम अपनी थोड़ी सी लेट लगाते हैं रिकॉर्डिंग। मैं भूल चुका था कि मैं रिकॉर्डिंग लगाई है या नहीं। देखो तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं लग रही, वो तो लास्ट टाइम में मैंने लगा दी। तो यहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट हो जाती है, पर कोई नहीं भाई, इस मैच में भी तबाही तबाही होने वाली है। मैंने पूरी वीडियो काट के भाई छोटी सी कर दी, मतलब मैंने एक्स्ट्रा पार्ट सब काट दिया। बेफिक्र है, आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे ये दो तीन बॉट के अलावा कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पे हम एक तो मैं हॉट ड्रॉप, ऊपर से कोई बॉट ड्रॉप बॉट वॉट के अलावा कोई आता भी नहीं है। तो यहाँ से हम अपनी गाड़ी वाड़ी उठाते हैं और सीधा निकल जाएंगे और बंदे ढूंढने। अब यहाँ से हम सीधा निकल जाते हैं पहुँचेंगे की तरफ। हमको पता था कहीं बंदे मिले या ना मिले, सीधा मिलेंगे पहुँचेंगे में। अब होता भी कुछ ऐसा, यहाँ पर जैसे पहुँचेंगे में आ रहा हूँ ना, मैं पीछे की साइड से पहले ही साउंड आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं इन पर सीधा पुश। यहाँ पे बिना रुके मैं पुश कर रहा था, एक बंदा उसका भाई सीढ़ियों पे बैठा होता है। देखो कि हम सजा दे देते हैं भाई कैमरे। अब इसका दूसरा बंदा भाई है दरवाजे में बैठा होता है। यहाँ पर हम बिल्कुल दया के स्टाइल में भाई दरवाजा दरवाजा तोड़ के उसको सीधा खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूटपोट करते हैं तो सामने से भाई ओपन में से एक बंदा दिखता है हमें। बंदा क्रॉस करा देख। तो यहाँ पर मैं एक हार्ड स्कोप लेता हूँ, मुझे पता था ये पीक जरूर देगा। यहाँ पर हम करते हैं इसको नॉक। अब यहाँ पर हम इसे नॉक करते हैं, नॉक करके सीधा कर देंगे पुश। अब यहाँ पर हम पुश पुश दे रहे होते तो भाई तीनों सबसे पहले हमें थ्री स्टोरी सा साउंड आ जाते हैं। हाँ तो मैं भी यही हूँ भाई। यहाँ पे भाई सबसे पहले हम करते हैं अपनी हील वील और फिर मारेंगे इसे बाहर जाकर, क्योंकि ये बंदा भाई पीछे को ऊपर जाकर बिल्कुल बैठ गया था, कैंप कर रहा था। तो यहाँ पर मैं पहले पीछे आता हूँ। यहाँ पे तो ये बंदा बच जाता है, मगर मुझे लगा भाई ये बंदा हील करेगा। मैं बिल्कुल फ्री होकर जा रहा था, मगर भाई ये बंदा बहुत ही गंदा सीन करता है, ये यहाँ पे मुझे नॉक कर दिया। मुझे लगा यहाँ पे ये हील वील करेगा, तो मैं यहाँ पे अपनी आराम से मैं इसको मार दूंगा, मगर भाई इतने में सबसे पहले हील वील होता हूँ और अपने टीम में टायर पार मारता हूँ। ये हैक देखिए, हैक टीम में टायर पार। यहाँ पे ये दो चार वाट वाट मारते हैं, अपनी हील वील करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और बंदे ढूंढने। अब यहाँ से हम सीधा जाते हैं भाई मिलिट्री के ब्रिज पे। अब ब्रिज यहाँ पे हम ब्रिज ब्लॉक करते हैं भाई, जोन आ जाता है, कोई आता ही नहीं है, मतलब होगा ही नहीं है वरना आ ही जाता। अब यहाँ पे देखिए सस्ते नशे भाई, हमने अपनी ही गाड़ी से अपने ही टीममेट को नॉक कर दिया भाई। हमें दुश्मन क्या मारेगा भाई, हम खुद आस्तीन के सांप हैं। अब यहाँ पे भाई कोई बंदा तो हमें दिखता नहीं, तो यहाँ पे हम सीधे जाते हैं नोवो के ब्रिज पे। तो भाई क्योंकि कोई ना कोई तो ब्रिज ब्लॉक कर रहा होगा भाई, होता भी कुछ ऐसा है। अब ये बंदा भाई M249 लेकर भाई इतनी गंदी भाई तड़ तड़ चलाता है ना, मगर कोई नहीं, हम यहाँ पे चेंज सीट करते हैं और इसको लॉबी भेज देते हैं। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले हम आते हैं अपना ड्रॉप ड्रॉप लूटने। और गैस करिए ड्रॉप में क्या होगा भाई, ड्रॉप में थी ग्रोजा। और भाई आपको पता है ग्रोजा है और ग्रोजा और MG3 आ रहे हैं, हम ना उठाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गैस यहाँ पे मैं अपनी ग्रोजा उठा लेता हूँ। अब यहाँ ओपन में पूरी एक टीम दिख जाती है मुझे, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ कवर में गाड़ी। अब मुझे लगा लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा, मगर उल्टा मैं यही भूल गया किस किस स्पीड में मैंने कौन कौन से देखा। यहाँ पर मैं नॉक होते थे बच गया, यहाँ छोटी पीक लेने की सोचा था, अरे फिर मैंने अपनी हील पर ध्यान दिया। नहीं 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 अब ये तीन बंदे भाई तीन अलग अलग पेड़ पर थे, तो जिसमें कि भाई एक अब यहाँ पे ये नेट फेंकता है, तो मैं आ जाता हूँ भाई अंदर। यहाँ पे ये दोबारा नेट खोलता है, यहाँ पे मैं भाई हल्का सा पीछा जाता हूँ किसी तरह नेट से बच जाऊँ। अब यहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे कि अब जल्दी से अपने टीममेट को रिवाइव देंगे, मगर ये बंदा भाई लेफ्ट से कर देता है। यहाँ पे भाई हम इसको नॉक करते हैं, सजा भाई पूरी मिलेगी, आधी अधूरी सजा नहीं, नॉक करके नहीं छोड़ता मैं, सीधा लॉबी। गोली चलेगी तब तक जब तक पेटी ना बन जाए, जब तक ओह राइमिंग नहीं हुई। अब यहाँ पर इसका एक बंदा मुझे दिख रहा होता है, तो यहाँ पर भाई लेट के मैं इस पर हार्ड स्कोप लेता हूँ। ये बंदा बाहर ही नहीं आता भाई, क्योंकि अपनी टीम का लास्ट बचा था, तो इसे पता था जब यही दो मर गए तो मैं क्या ही करूँगा। अब यहाँ पे ये बंदा निकलता नहीं, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ भाई एक स्मोक फेंकूंगा और फिर इस पर करेंगे सीधा पुश। मगर ये बंदा मेरे स्मोक को शायद नेट समझ बैठा। भाग रहा
इसलिए भाई भागने लगता है। तो यहाँ पर अपना क्लच हो जाता है कम्प्लीट। अब यहाँ पर अपनी हिल व्हील कम्प्लीट हिल व्हील पूरी करते हैं और फिर गाड़ी लेकर निकल जाएंगे और बंदे ढूंढ। अब यहाँ पर बंदे हमें मिल नहीं रहते हैं, हमारी गाड़ी घूमती है फौरन। भाई मुझे लेफ्ट से साउंड आता है, यहाँ पर भाई हम अपनी गाड़ी में सोचते हैं और इस बंदे को करते हैं नॉक फिनिश। अब यहाँ पर ये बंदा नॉक करके छोड़ दिया, क्योंकि ये बंदा थोड़ा कवर में हो गया था। अब यहाँ पर सबसे पहले अपनी हील व्हील मारूंगा। अब भाई अपने हम यहाँ पे गाड़ी पे करेंगे स्मोक, ताकि इसका कोई और बंदा यहाँ हो तो वो फिनिश फिनिश न कर दे। यहाँ पे हमें हमारा किल मिल जाता, हमने जॉन सीना को मार दिया। भाई देख लो भाई, क्या जॉन सीना क्या अंडरटेकर सब मरेंगे भाई। पबजी है, WWE की रिंग नहीं है। यहाँ पे स्मोक करके भाई इसके दूसरे बंदे को ढूंढने लगते हैं कि इसका बंदा भी यहीं होना चाहिए जबकि ये मरा था, मगर इसका बंदा इससे थोड़ा पीछे था। अब पीछे मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए भाई प्ले जोन से मर गया वो बंदा, उसको पता था शायद कि हाँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ। अब यहाँ पर मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया था भाई इस बंदे को। ये बंदा फाइनली गोली चला ही देता है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले भाई ये हाई ग्राउंड पर आकर अपनी गाड़ी रोकता हूँ। और एक ईजी पीजी चिकन डिनर। अब वीडियो में जरा भी मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।